हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम इस फोटो का एडिटिंग करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर कर लेंगे यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। शेयर होने के बाद आ जाएंगे, इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। सबसे पहले ऑटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा फोटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पे आएंगे। लाइट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा कम करेंगे, शेडो को ज़्यादा करेंगे, वाइट को कम करेंगे और ब्लैक को ज़्यादा करेंगे। इतना करने के बाद फेस पे थोड़ा गोरा हो जाएगा। उसके बाद कलर पे आएंगे, कलर पे आने के बाद व्यूरेंस को बढ़ाएंगे। व्यूरेंस को बढ़ाने के बाद इतना व्यूरेंस को रखेंगे। उसके बाद मिक्स पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये येलो पर जाएंगे, येलो पर सेचुरेशन को कम करेंगे और लिमोन्स को ज़्यादा करेंगे। इतना करने पर फेस गोरा होगा। उसके बाद रेड वाले पे आएंगे और रेड वालों को थोड़ा बढ़ाएंगे। इतना करने के बाद हमारा फोटो हो जाएगा। उसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ से शेयर कर लेंगे, यहाँ से शेयर कर लेंगे स्नैपशीट के अंदर। स्नैपशीट के अंदर आने पे यहाँ से सबसे पहले टूल्स पे आएंगे। टूल्स पे आने के बाद इसको चूज करेंगे। हीलियम को चूज करने के बाद यहाँ जो जो फेस पे कटा वटा होगा उसको साफ करता है ये। इतना करने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से टूल्स पे आना है, यहाँ पे टूल्स पे आना है और फिर से इसको चूज करना है, ये वाला सेंसिटिव को चूज करना है, यहाँ वाला। इसको चूज करने के बाद जहाँ जहाँ फेस को थोड़ा गोरा करना है वहाँ पे प्लस का आइकन ले जाना है और रख देना है और दोनों हाथ से छोटा करना है। छोटा करने के बाद बढ़ा देना है। फिर यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे जाएंगे और इसको बढ़ा देंगे। फिर से जाएंगे और इसको भी बढ़ा देंगे। फिर से जाएंगे, इसको भी बढ़ा देंगे। फिर गर्दन पे जो रह गया है यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। उसके बाद डन करना है और फिर से सिलेक्टिव पे आना है। आने के बाद यहाँ हैंड्स पे जो है हैंड्स पे भी रखना है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद फिर से बढ़ा लेंगे, फिर से हैंड्स पे आना है और फिर से बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर से आना है हैंड्स पे और फिर से बढ़ा लेना है। उसके बाद डन करना है और फिर से आना है, सॉरी सिलेक्टिव पे आना है। सिलेक्टिव पे आने के बाद यहाँ जो है और यहाँ से भी ज़्यादा कर लेंगे। उसके बाद और जहाँ जहाँ रहता है इतना कर लेने के बाद फिर से यहाँ से शेयर करेंगे। ये स्केच बुक के अंदर शेयर करने के बाद फोटो को जूम करना है और यहाँ पे आना है, ये वाले ऑप्शन पे आना है। ये वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये वाला ब्रश को चूज करना है। याद रहे ये वाला ब्रश को चूज करना है, यही वाला ब्रश को चूज करना है। इसमें आना है स्मज, ये देख के ये वाला ब्रश को चूज करना है। तो हम ये वाला ब्रश को चूज करते हैं। सेटिंग में आना है और 4:8 ही रहने देना है। इसको 4 रहने देना है फॉलो और स्ट्रेंगर को 8 रहने देना है। ये दोनों को देख लेना ध्यान से। उसके बाद इतना ही रहने के बाद छोड़ देंगे और फोटो पे ऐसे ही रहने देंगे और ब्रश को अपने हिसाब से रखना है और चलाना है धीरे धीरे।
तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को रोक रहे हैं। तो हमने स्मूथ कर लिया है, अब इसको थोड़ा और ब्लैक ब्लैक है। तो यहाँ से हम लेयर चुनेंगे, यहाँ से ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्लस का जो आइकन है ये वाला, इसको चूज करेंगे। उसके बाद इसमें आएंगे, ये वाला में आने के बाद ये नॉर्मल है, नॉर्मल को हम नॉर्मल ही रह देंगे। इस पर क्लिक करके ऑपेसिटी, यहाँ से जो ऑपेसिटी है ये वाला, इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे, इतना पे रखना है। उसके बाद यहाँ आना है, फिर से यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद लाइब्रेरी में आना है, यहाँ और ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद ये ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल ये वाला, इसमें का ये ब्रश चूज करना है, ये वाला दू को जो ऊपर है, दू का जो ऊपर है, ये वाला वीडियो, ये वाला फोटो चूज करेंगे ब्रश। और सेटिंग में आएंगे, इतना ही रहने देंगे। उसके बाद ब्रश को छोटा कर लेंगे और यहाँ से कलर सिलेक्टिव करना है, ये वाला कलर सिलेक्टिव करना है।